पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से आज नोएडा पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन उसके जासूस होने के कोई सबूत नहीं मिले। हालांकि एक्सपर्ट्स को अभी शक है, क्योंकि सीमा हैदर के पास से 4 मोबाइल, 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट और एक अधूरे नाम पते वाला पासपोर्ट मिला है। पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान से दुबई, शारजाह और फिर काठमांडू होते हुए जिस तरह नोएडा आई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह कि अगर सीमा हैदर ISI की जासूस है, तो उसकी ट्रेनिंग कहां हुई? ISI कैसे अपना गुप्तचर तैयार करता है और कहां कहां कितने दिनों की ट्रेनिंग के बाद ISI किसी को मिशन पर भेजती है? हम आपको डायरेक्ट ISI हेडक्वार्टर से पाकिस्तान के जासूस सेंटर का सीक्रेट सच दिखाने जा रहे हैं। आबपारा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। ये पता है उस बदनाम खुफिया एजेंसी का, जो दहशतगर्दी फैलाने वाली संस्था के तौर पर कुख्यात है। जिसकी पहचान आतंकी करने वाली एक धूर्त और मक्कार एजेंसी की है, जो वैश्विक आतंकियों को पालती है, जहां जहरीले जासूस तैयार किए जाते हैं, जो हिंदुस्तान में अस्थिरता की साजिश के लिए जानी जाती है, जो अभेद्य सुरक्षा घेरे से सुसज्जित रहता है, जिसकी हिफाजत में चारों तरफ पाकिस्तान के खतरनाक बंदूकधारियों की फौज खड़ी रहती है, जहां 24 घंटे काम होता है। इस्लामाबाद में मौजूद इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के इसी हेडक्वार्टर में कश्मीर की फिजाओं में बारूद घोलकर उसे जहन्नुम बनाने की पटकथा लिखी जाती रही। तो सवाल ये कि दुनिया की उस सबसे बदनाम खुफिया एजेंसी में ISI कैसे भेदिए तैयार करती है? क्या सीमा हैदर ISI का मोहरा है? ISI से सीमा हैदर के क्या लिंक है? सीमा यहीं जिएगी, यहीं मरेगी। जब मोहब्बत के नाम पर चुपके से सरहद पार करने वाली पाकिस्तान की सीमा हैदर की असलियत पर अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है, जब सीमा हैदर के भाई के पाकिस्तानी आर्मी में शामिल होने का दावा किया जा रहा है, जब हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां सीमा हैदर की हकीकत जानने के लिए लगातार उससे सवाल जवाब कर रही हैं। एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते, कुछ भी कहना उचित नहीं। संदिग्धता के चक्रव्यूह में खड़ी सीमा के जरिए एक बार फिर से ISI की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की इस फरेबी खुफिया एजेंसी की कुंडली की विवेचना करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए, जिस सीमा के जरिए ISI फिर चर्चा में है, उसके पाकिस्तान टू हिंदुस्तान रूट पर ABP न्यूज के रिपोर्टर पहुंच चुके हैं। पहुंच गया हूं काठमांडू में, उस ठिकाने पर जहां सीमा हैदर और सचिन ठहरे थे। पहले एड्रेस देखिए, न्यू विनायक रोलपा लिखा हुआ है, और इसी न्यू विनायक रोलपा में ये यहां पर ये दिखाईगा नया बस पार्क लिखा हुआ है। देखिए, न्यू विनायक रोलपा और न्यू बस पार्क काठमांडू आगे लिखा हुआ है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये वो पहली जगह है जहां पर सीमा हैदर और सचिन साथ रुके हैं, पहली बार 7 दिन तक रुके हैं। इस होटल के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहली जो उनकी मुलाकात हुई थी आमने सामने, वो यहीं पर हुई थी। तो हम उस कमरा नंबर 204 में जा रहे हैं, और देखिए, ये इसलिए जाना जरूरी है क्योंकि एक एक जगह जो है लिंक एस्टेब्लिश करती हैं। यही वो कमरा है, मैं हम ABP न्यूज पे आपको बता रहे हैं, इसी कमरे में सचिन और सीमा यही रुके थे। दिल्ली से करीब 1150 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 1350 किलोमीटर दूर काठमांडू में ही पहली बार सचिन और सीमा मिले थे। यही विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में रुके थे, यहीं पर शादी की थी, मगर अता पता सब फर्जी बताया था। इस होटल के रजिस्टर में ABP न्यूज की पड़ताल में साफ हुआ है, फर्जी नाम और पता लिखवा करके रुके थे सीमा हैदर और सचिन, फर्जी, दोहरा रहा हूं मैं। नंबर 2, शादी उन्होंने इसी होटल के कमरे में की, शादी किसी मंदिर में नहीं हुई। दूसरा खुलासा और तीसरा खुलासा, सचिन यहां पहले पहुंचा और उसने झूठ बोला कि मेरी पत्नी आने वाली है और इंडिया से आने वाली, जबकि सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से। ये बात है 10 मार्च की। एक हफ्ते से भी शायद ज्यादा रुके थे, 8-9 दिन ऐसे रुके थे। तो
तो आपको जब पता चला तो आपने अपने आप ही ढूंढना शुरू कर दिया कि इसमें ढूंढे नाम है कि नहीं है? इसमें नहीं मिला आपको? नहीं मिला। फिर फेक नाम कौन सा था वो पता चला? अभी उन लोग का नाम मैं जब न्यूज से मालूम पड़ा कि वो लोग का नाम सीमा कुछ था। यहाँ पर मैं ढूंढा बहुत कुछ मिल। अगला सवाल यहीं से उठ रहा है, सीमा हैदर ने अपना नाम और पहचान क्यों छिपाया? क्या सीमा को कोई डर था या फिर उसके प्लान का हिस्सा था? सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 4 महीने में शारजा, कराची, दुबई से नोएडा वाया काठमांडू घूमने वाली सीमा हैदर जब हिंदुस्तान में दाखिल हो रही थी तब उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने पूरे रूट के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। इसमें किसी तीसरे शख्स ने उसकी मदद की थी। सूत्र बताते हैं, सीमा हैदर गांव की महिला बनकर भारत में घुसी। मेकओवर में पेशेवर की मदद ली गई। सुरक्षा नजर से बचने के लिए मेकओवर किया गया। तीसरे शख्स ने सीमा हैदर की मदद की। वो तीसरा शख्स आखिर कौन था जिसके सहारे सीमा हैदर एसएसबी को चकमा देते हुए भारत में दाखिल हो गई? एजेंसियों को इस बात की शक है कि नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उसकी मदद की और उनके सहारे ही वो भारत में घुसने में कामयाब हुई। हालांकि सीमा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के रिश्तों को लेकर ये सिर्फ शक है, और शक इसलिए क्योंकि सीमा हैदर की अब तक की सारी गतिविधियां सवालों में हैं। सीमा की बोली, उसकी भाषा, उसके हाव भाव, उसका रहन सहन, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ सवालों में है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी तरह से प्रशिक्षित है। भारत आने से पहले उसने हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान पर बेहद बारीक शोध की। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई उसके पीछे कोई और है? अगर सीमा हैदर वाकई विश्व कन्या है तो उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी की फैक्ट्री में कैसे शातिर जासूस तैयार होते हैं? ये सब जानने के लिए फिर से आपको आप 12 की उसी इमारत के बारे में विस्तार से जानना होगा जहां से दुनिया भर में दहशतगर्दी की खूनी पटकथा लिखी जाती है, जिसे ISI हेडक्वार्टर कहा जाता है, जिस 3 मंजिला बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर कुख्यात खुफिया एजेंसी का सरदार बैठता है, जहां पर पाकिस्तान के करीब 10,000 छटे हुए शार्प माइंडेड अफसर और कर्मचारी काम करते हैं, जहां शातिर एजेंट्स तैयार किए जाते हैं। ISI बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर हैकर्स बैठते हैं जो दुनिया भर के VVIP की जानकारी इकट्ठा करते हैं। फोन और सोशल मीडिया के जरिए टारगेट को फंसाने के लिए कॉल सेंटर भी यहीं पर है। ये सारी जानकारियां उन अफसरों को भेजते हैं जो ISI हेडक्वार्टर की दूसरी मंजिल पर बैठते हैं। फिर वहां से तय होता है कि जासूसी किसकी करनी है, फिर टारगेट फिक्स होता है और उसी के मुताबिक जासूसों को जहरीला बनाया जाता है। ऐसा है पाकिस्तान में इसके लिए 2 तरह के लोगों को चुनता है, पहला जो तेज तर्रार और कट्टर सोच का हो, दूसरा जो गरीब हो, उनकी कट्टरता पर पैसों की धार देता है और फिर उनमें कट्टरता का बारूद भरकर उनको जासूसी के लिए तैयार करता है। वो एक काफ़ी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जो फंडिंग उनकी है वो काफ़ी उनको फंड्स मिलते हैं अपनी इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। कॉलेज में, स्कूल्स में, वहाँ पर यंग लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रिक्रूट करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। लश्करे तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अलकायदा के कई कुख्यात आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाली ISI जासूसों को कहां और कितने दिनों की ट्रेनिंग देती है, ये जानने से पहले जान लीजिए किस किस भेष में भेदियों को तैयार किया जाता है। डिप्लोमेट बनकर दूतावास और उच्चायोग में ISI के एजेंट्स काम करते हैं। इंटरनेशनल NGO में दूसरे देशों में नेक काम करने के नाम पर भी एजेंट जासूसी करते हैं। पत्रकार बनकर भी जासूसी करते हैं। कई बार कई जगह छात्र या कर्मचारी बनकर जासूसी करते हैं। हनी ट्रैप भी जासूसी का एक तरीका है जिसमें प्रेम संबंध बनाकर जानकारियां ली जाती हैं। दूसरे मुल्क में दाखिल होकर वहां की खुफिया जानकारी सरहद पार भेजने के लिए बेहिसाब हिम्मत और ट्रेनिंग की जरूरत होती है और ये सब देती है ISI। एक रिपोर्ट के मुताबिक जासूसी का कैंप लगता है। इन ट्रेनिंग सेंटरों में पेशेवर एक्सपर्ट ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग कोर्स 25 दिन, 45 दिन, 90 दिन और 180 दिनों का होता है। अगर किसी संस्थान की जासूसी करानी होती है तो जिस जासूस को ट्रेंड किया जा रहा है उसे वहां की पूरी जानकारी दी जाती है। ISI के एक्सपर्ट वहां की भाषा सिखाते हैं, जहां उन्हें भेजना होता है वहां के खान पान के बारे में बताते हैं, वहां की धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में उसे ढालते हैं, वहां की ड्रेस के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, जिस जगह जाना है
उसके इतिहास भूगोल की भी जानकारी दी जाती है, वहाँ की राजनीति के बारे में भी बताते हैं। कुल मिलाकर उन्हें जहाँ भेजना होता है वहाँ के लोगों की तरह उसे तैयार करते हैं, ताकि शक को सुबह की रत्ती भर भी गुंजाइश ना रहे। भारत में अलग अलग जगहों के रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, यहाँ के हिंदू धर्म के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, किस प्रकार से तुलसी में जल डालना, पूजा पाठ और जो ड्रेसेस हैं यहाँ की भाषा, ये सब बातों पे ट्रेनिंग दिया जाता है। और उसके बाद हथियार चलाने का, कम्युनिकेशन का, और अगर जरूरत पड़े तो किस प्रकार से लोगों को भड़काना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना है। इस ट्रेनिंग कैंप में फायरिंग रेंज भी मौजूद है, ताकि गन से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा सके। इसके साथ यहाँ खाने पीने से लेकर के धार्मिक शिक्षा तक के हर तरह के प्रबंध है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कई तरह की सुविधाओं का मुकम्मल इंतजाम और कई तरह की ट्रेनिंग का बंदोबस्त है। ट्रेनिंग देने से जुड़े सभी संसाधन भी मौजूद होते हैं। बताते हैं कि ट्रेनिंग कैंप में दिन की शुरुआत नमाज से होती है। इसके बाद जिहाद को लेकर काफी भाषण सुनाए जाते हैं। इसके बाद शारीरिक अभ्यास के बाद ट्रेनिंग होती है। पूरे दिन ट्रेनिंग देने के बाद फिर शाम में मजहबी तकरीरें की जाती हैं। मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर माइंड वॉश किया जाता है। जो लोग ट्रेनिंग में शामिल होते हैं उन्हें उकसाया जाता है, उन्हें अपने साथियों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए कहा जाता है, और ये सब गुप्त रखना पहली शर्त होती है। पाकिस्तान में जहरीले जासूस तैयार करने के 7 सेंटर हैं, मसलन पेशावर, सिंध का कोटकी, लड़काना, खुजदार, तुरबत और कोहट। इसके अलावा लाहौर में भी ISI का ट्रेनिंग सेंटर है। 1 से 6 महीने के बीच में इन ट्रेनिंग कैंप के अंदर रखकर ISI के एक्सपर्ट एक आम पाकिस्तानी के दिमाग को बारूद से भर देते हैं, और फिर बारूदी दस्ता तैयार हो जाता है। ISI के जासूसों की ट्रेनिंग काफ़ी गहन ट्रेनिंग होती है, हर तरह की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का काम में हिंदुस्तान भेजा जा सकता है, चाहे वो एम्बेसी में हो या कोई रिक्शा चलाने में हो, ट्रक हो, बिजनेस हो, कोई दुकान चलाने के लिए या कहीं नौकरी करे, उनको पूरा सोशल मीडिया में ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके बाद उनको टास्क बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया जाता है, और क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, एक्सप्लोसिव को हैंडल करना, हथियारों को चलाना और अनआर्म कॉम्बैट, हर तरह की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती है इससे पहले कि उनको भारत भेजा जाए। जहां भेजना होता है वहां के लोकल हैंडलर के बारे में उन्हें बताते हैं, उनका पता, उनकी पहुंच के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें काम पर लगा दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जासूसी करानी होती है तो उसकी पूरी कुंडली ISI के पास होती है, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था की जासूसी करानी होती है उसके लिए उसकी प्रोफाइल बहुत मायने रखती है। जब भेदियों को दूसरे देशों में भेजा जाता है उन पर नजर भी रखी जाती है। ISI हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर टॉप लेवल के कमांडर बैठते हैं, वहीं पर ISI का वॉर रूम भी है। सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर के देशों की हरकत पर नजर रखी जाती है। दुनिया भर में मौजूद अपने एजेंट से सीधा संपर्क यहीं से किया जाता है, और फिर इनके इशारे पर वो गुप्तचर जहां भी रहते हैं काम करते हैं। जिस तरह ISI अपना बारूदी दस्ता तैयार करता है, माइंड वॉश कर दूसरे देशों में भेजता है, जिस तरह के पाकिस्तानी स्पाई अलग अलग देशों में रहते हैं, पकड़े जाते हैं, उसी तरह की हरकत जब सीमा हैदर में दिखने लगी, उसी तरह के झूठ और फर्जीवाड़े के बारे में खुलासा होने लगा, तो सीमा हैदर का नाम भी ISI से जुड़ने लगा। हालांकि ये सिर्फ चर्चा का हिस्सा है, क्योंकि ISI की शातिर रुष कन्या भी घूमती रही है, हिंदुस्तान के लोगों को फंसाती रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।